नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध नगर में एक लड़की ने आत्महत्या की। सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं अपनी इच्छा से मर रही हूं। 13 नवंबर की सुबह लड़की के परिजन ने घर में जले हुए चेहरे वाली लाश देखी और उन्होंने बेटी को बड़ा समझकर बिना पुलिस को बताए अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसका अंतिम संस्कार हुआ। दरअसल वह लड़की मरी ही नहीं थी, उसने प्रेमी के साथ मिलकर एक कॉल गर्ल की हत्या की और फरार हो गई। हत्या का खुलासा तब हुआ जब मरने वाली लड़की के भाई ने उसके गुम होने की शिकायत पुलिस में की। आरोपी पायल और अजय ने फिल्मी अंदाज में मर्डर किया है। पहले दोनों ने कॉल गर्ल का गला दबाकर उसे मार डाला, फिर सबूत मिटाने के लिए पायल ने लाश को अपने कपड़े पहनाए। इतना ही नहीं, उसका चेहरा तेजाब से जला दिया ताकि खुद को मरा साबित कर सके। इसके साथ ही विश्रक पुलिस ने आरोपी लड़की पायल का नंबर ट्रेस किया तो वह उसके प्रेमी अजय तक पहुंची। शक्ति से पूछताछ में अजय ने पूरा सच उगल दिया। पुलिस ने बताया कि पायल अजय से शादी करना चाहती थी, परिवार उसे रोक रहे थे, इसीलिए उसने खुद को मरा हुआ बताने की साजिश रची। उसने सोचा परिवार उसे मरा समझेगा और वह अपने प्रेमी के साथ आराम से रह सकेगी। पुलिस ने हत्या मामले में अजय ठाकुर और पायल को हिरासत में ले लिया है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज़ में।